Hello dear student, now let us start with our session with some question based on dimensional formula. Okay, our first question: if force F, velocity V and time T are taken as fundamental units, the dimensions of mass are fill in the blank. So, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो कुछ इस तरह से है, अगर फोर्स वेलोसिटी और टाइम को हम फंडामेंटल यूनिट्स के तौर पर ले ले तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला इन तीनों के रिस्पेक्ट में क्या होगा. ठीक है, चले. सो सबसे पहले मुझे मास का डायमेंशनल फॉर्मूला लाना है, इसलिए मैंने मास को लेफ्ट साइड पर रखा है. इस प्रपोजनल टू एफ रेस टू एक्स, V रेस टू Y एंड T रेस टू Z, कुछ इस तरह से होगा. नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास दैट इज M1, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स F दैट इज M1 L1 T माइनस टू, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी L1 T माइनस वन, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर टाइम That is T1. अभी हम इसमें क्या करेंगे, तो अभी हम इसमें लेफ्ट साइड पर मास इक्वल टू, ठीक है, यहां पर प्रोपोर्शनलिटी है, मैं यहां पर इक्वल टू रख रहा हूं. फोर्स पावर x, वेलोसिटी पावर y, टाइम पावर z, कुछ इस तरह से रख दूंगा. ठीक है, ये जो मेरा मास है m, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m रेस टू वन, यू कैन सी इट हियर, आप यहां से देख सकते हो, इज इक्वल टू. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t माइनस टू पावर x, वेलोसिटी का होता है l1 t माइनस वन पावर y, टाइम का होता है t1 पावर z, कुछ इस तरह से. ठीक है, अभी आप यहां पर देख सकते हो वन का एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, सो एम एक्स एल एक्स टी माइनस टू एक्स, अच्छा यहां पर एल वाई टी माइनस वाई और यहां पर टी जेड. ठीक है, बेस एम यहां पर सिर्फ एक है, सिंगल बेस, so only m रेस टू x. l के लिए आप देख सकते हो l में दो बेस है, l यहां पर भी है, l यहां पर भी है, तो ये हो जाएगा l रेस टू x प्लस y. t के लिए बात करें तो t में तीन है, ठीक है, तो t के लिए हो जाएगा माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस z, कुछ इस तरह से. ठीक है, अभी यहां पर सिर्फ m रेस टू वन है, मतलब कि l नहीं है t नहीं है, तो हम लिख सकते हैं m1 l0 t0, जो प्रेजेंट नहीं है उसके लिए हम जीरो ले सकते हैं, mx lx प्लस y t माइनस टू एक्स माइनस y प्लस z. ठीक है, नाउ अब हम कंपेयर करेंगे पावर ऑफ एम एल एंड टी, तो यहां पर अगर हम एम का पावर लेते हैं सो वन इक्वल टू सामने की तरफ एक्स, इक्वेशन नंबर वन. ठीक है, यहां पर एल का पावर लेते हैं जीरो, वहां पर पावर एक्स प्लस वन, इक्वेशन नंबर टू. यहां पर जेड का पावर लेते हैं यानी टी का पावर लेते हैं जीरो, इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस z, इक्वेशन नंबर थ्री. ठीक है, अभी इक्वेशन वन की वैल्यू में इक्वेशन टू में डाल देता हूं, सो ये हो जाएगा x यानी कि वन प्लस y इक्वल टू जीरो यानी कि y इज इक्वल टू माइनस वन, ये आपका इक्वेशन नंबर फोर. सेम वे अगर मैं इक्वेशन फोर और इक्वेशन वन की वैल्यू इक्वेशन थ्री में डाल देता हूं तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स की जगह पर वन
माइनस y की जगह पर माइनस वन प्लस z इक्वल टू जीरो, यानी माइनस टू प्लस वन प्लस z इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज z इक्वल टू वन। सो आपका इक्वेशन नंबर 5। अभी आप देख सकते हो x, y और z तीनों की वैल्यूज आपके पास आ गई, x, y और z तीनों की वैल्यू आपके पास आ गई। तो ये सारी वैल्यू आप रख दोगे तो इक्वेशन हो जाएगा, f रेस टू x था x मतलब 1, v रेस टू y था यानी माइनस 1, t रेस टू z था यानी 1। सो ये आपका फंडामेंटल अगर हम क्वांटिटी लेते हैं तो मास का जो आंसर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 2। ओके, व्हाट इज आवर क्वेश्चन नंबर 2? Dimensions of 1 by 2 epsilon 0 e square is fill in the blank where epsilon 0 is equal to permittivity of vacuum and E is equal to electric field। ठीक है, मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो epsilon 0 का dimensional formula पता होना चाहिए। चले मैं आपको सिखाता हूँ कैसे इसको find किया जाता है। तो मेरे पास equation होता है F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन होता है। ठीक है, अभी मुझे एप्सिलॉन जीरो को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो एप्सिलॉन जीरो को सब्जेक्ट बनाया यानी इक्वेशन हो गया Q स्क्वायर बाय 4 पाई F इनटू R स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, अभी उसमें आप देखोगे कि मुझे ये जो एप्सिलॉन जीरो है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए ये 4 पाई कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू का कभी भी डायमेंशन नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले मुझे Q यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज Q का होता है A1 T1, पर चूंकि यहाँ पर Q स्क्वायर है इसलिए ये हो जाएगा A2 T2। ठीक है, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t-2 और r स्क्वायर, r मतलब डिस्टेंस, तो उसका हो जाता है l2, यानी कि आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m-1 l-3 t4 a2, कुछ इस तरह से। ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस, ये l1 l2 है यानी पावर 3, ऊपर जाएगा तो माइनस, ये माइनस 2 ऊपर जाएगा तो प्लस, 2 प्लस 2 4 और a2। तो इस तरह से कुछ आपका एप्सिलॉन 0 का डायमेंशनल फॉर्मूला बने। ठीक है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड f is equal to f/q, ये उसका इक्वेशन होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला f फॉर फोर्स m1 l1 t-2 q फॉर चार्ज, तो चार्ज का a1 t1, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा m1 l1 t-3 a-1, कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी देखो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है डायमेंशंस ऑफ 1/2 एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर, पर 1/2 जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है और कांस्टेंट वैल्यू का कभी भी डायमेंशन नहीं निकलता है। सो भले मैं उसको डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर कंसीडर करता हूँ पर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा नहीं। चले एप्सिलॉन 0 का अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला रखता हूँ तो डेट इज m-1 l-3 t4 a2, कुछ इस तरह से बनेगा। और उसके बाद मेरे पास है e स्क्वायर की बात। ठीक है, तो e स्क्वायर के लिए, e के लिए मेरा डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 l1 t-3 a-1, ये नीचे रहा है। ठीक है, तो अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये हो जाएगा m2 l2 t-6 a-2। चले देखिए, इसमें सबसे पहले तो -1 +2 यानी होगा m1 L -3 +2 यानी -1 T4 T-6 यानी T-2 A+2 A-2 कैंसल हो गया। सो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला फॉर 1/2 एप्सिलॉन 0 ए स्क्वायर इस तरह से फाइंड किया जाता है।
Now let us start with question number 3. If mass, length, time and electric current is represented as M, L, T, I respectively, then dimensions of resistance will be. ठीक है, तो सबसे पहले हम from Ohm's law, we have equation V is equal to IR, that implies R is equal to V over I. ठीक है, अगर मैं वोल्टेज V के डायमेंशंस की बात करता हूँ, तो वोल्टेज जो V है उसके डायमेंशंस होते हैं M1 L2 T-3 A-1 M1 L2 T-3 A-1 और करंट I जो है यहाँ पर एज इट इज I1 रखना है. ठीक है, यहाँ पर भी माइनस A की जगह पर I-1 कर देंगे हम. ठीक है, तो देखो R के डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएंगे V के लिए M1 L2 T-3 I-1 अपॉन I1, यानी ये हो जाएगा M1 L2 T-3 I-2. ठीक है, इस तरह से ये आपका आंसर हो गया. ऊपर था V की जगह पर M1 L2 T-3 I-1, यहाँ पर I1. ठीक है, V का डायमेंशनल फॉर्मूला, I का डायमेंशनल फॉर्मूला, ये ऊपर चला जाएगा तो -1, यानी आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा M1 L2 T-3 I-2. नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इज गिवन बाय v इज इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c. abc आर कांस्टेंट, द डायमेंशंस ऑफ abc विल बी फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, यहाँ पर आप क्वेश्चन समझ लो, आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है v इज इक्वल टू at प्लस b अपॉन t प्लस c. जब भी हमें डायमेंशन की बात होती है तो एक चीज याद रखिएगा, डायमेंशनली क्वेश्चन सही तभी माना जा सकता है जब आपके पास जो लेफ्ट साइड पर है क्वांटिटी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू राइट साइड पर जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल हो. लेफ्ट साइड पर जो क्वांटिटी है उसका और राइट साइड पर जो क्वांटिटी है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल हो. मतलब v इज इक्वल टू at होना चाहिए, v इज इक्वल टू b अपॉन t प्लस c होना चाहिए, तब जाके ये डायमेंशनली सही हो सकता है. ठीक है, चले इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 इस तरह से दे देते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन सी दैट अगर हम a को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हो जाएगा v अपॉन t. ठीक है, v यानी वेलोसिटी, t यानी टाइम. तो वेलोसिटी का अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लेते हैं तो वो है L1 T-1 अपॉन टाइम का T1. तो A का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा L1 T-2. तो ये आपको A मिल गया. ठीक है, अभी आप देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 में T प्लस सी दिया गया है, दैट मीन्स जो डायमेंशनल फॉर्मूला T का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला C का भी होगा, दैट इज T1. मैंने आपको अभी बताया था कि अगर बीच में प्लस है तो लेफ्ट साइड पर जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही राइट साइड में होगा, यानी T और C का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा. चले ठीक है, अभी इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं. ठीक है, इक्वेशन 3 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 हम देख सकते हैं कि इट विल बिकम v t प्लस c. ठीक है, v यानी वेलोसिटी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला L1 t-1. अच्छा, t प्लस c है
पर टी और सी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला, देखो यहाँ पर मैंने किया हुआ है, टी प्लस सी का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी, दैट इज टी वन, तो ये हो जाएगा टी वन। ये माइनस वन ये प्लस वन कैंसल हो जाएगा, तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला बचेगा एल वन। सो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला आपके पास ये रहा, ठीक है, आपके पास ये वाला, यू कैन सी, ओके, बी का ये वाला और सी का ये वाला। सो तीनों के डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मिल गए। लेट अस स्टार्ट विथ अ न्यू क्वेश्चन। क्वेश्चन इज गिवन 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इज इक्वल टू एक्स न्यूटन इनटू सेकंड, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ एक्स। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, ये जो आपके पास क्वांटिटी है वो सीजीएस में है, और ये जो है दैट इज एमकेएस। तो मतलब आपको दो अलग अलग क्वांटिटीज को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। एन वन इज इक्वल टू 100 दिया हुआ है, एन टू इज इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे यहां पर एन वन, एम वन, एल वन, टी वन इक्वल टू एन टू, एम टू, एल टू, टी टू, ठीक है। ये एम एल टी मास लेंथ टाइम, वन है फॉर सी जी एस, एम टू एल टू टी टू मास लेंथ टाइम, सेकेंड के लिए है दैट इज इन एम के एस, ठीक है। तो मैं एन टू को सब्जेक्ट बनाऊंगा इज इक्वल टू एन वन, एम वन बाय एम टू रेस टू वन, क्योंकि यहां पर सिर्फ ग्राम है, ठीक है। एल वन एल टू रेस टू वन, क्योंकि यहां पर सिर्फ सेंटीमीटर है। टी वन टी टू रेस टू माइनस वन, क्योंकि ये अपॉन में है, ठीक है। नीचे की टर्म अगर ऊपर की तरफ चलती है तो ये माइनस वन हो जाएगा। ऑल राइट, एन वन की जगह पर आई एम सब्स्टिट्यूटिंग 100, एम वन, एम वन इन ग्राम, एम टू मेजर्ड इन किलोग्राम, किलोग्राम को अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज 10^3 ग्राम, एल वन सेंटीमीटर, एल टू दैट इज मीटर यानी 10^2 सेंटीमीटर पावर वन, ठीक है। टी वन सेकेंड, नीचे वी सेकेंड माइनस वन, ठीक है। ग्राम कैंसर, सेंटीमीटर कैंसर, सेकेंड कैंसर, 100 यहां पर 10^-3 पावर वन, यहां पर 10^-2 पावर वन, यहां पर 10^0 माइनस वन। तो ये देखो 100 10^-3 10^-2 प्लस 2 माइनस 2 कैंसल, सो आपका आंसर हो जाएगा 1 इंटू 10^-3 न्यूटन सेकेंड। एक्स इक्वल टू आपको मिल गया 1 इंटू 10^-3 न्यूटन सेकेंड। तो इस तरह से पूरा फाइंड किया जाता है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। इन अ न्यू सिस्टम इफ यूनिट फॉर लेंथ मास एंड टाइम आर चोजन टू बी 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड रिस्पेक्टिवली The new unit of force in this system will be fill in the blank Newton. ठीक है, पहले तो आप ये समझ लीजिए CGS, CGS का मीनिंग होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, जबकि MKS का मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। तो ये इन दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एमकेएस मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड। ना अब आपको जो मास दिया हुआ है दैट इज 10 ग्राम, लेंथ दिया हुआ है दैट इज 10 सेंटीमीटर, और जो टाइम दिया हुआ है दैट इज
0.1 सेकेंड, ठीक है, ये चीजें आपको दी हुई है ना। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें न्यूटन यूनिट पर से पता चल गया कि मुझे फोर्स लाना है, ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l1 t-2, ठीक है। अभी इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर हम एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में आते हैं तो उसके लिए n1 m1 l1 t1 इक्वल टू n2 m2 l2 t2, इस तरह से किया जाता है। n1 मतलब जो पुराने वाले सिस्टम में वैल्यू दी है वो, n2 मतलब जो नए सिस्टम में लानी है वो। सो n2 को हमने सब्जेक्ट बना दिया, n1 m1 upon m2 power m का है 1, l1 upon l2 power है 1, t1 upon t2 power है -2, ठीक है। कुछ नहीं दिया हुआ है इसलिए हम n1 की जगह पर 1 लेते हैं, ओके। m1 की बात करें सो m1 हमें दिया गया है 10 ग्राम, m2 जो कि हमें mks में मतलब कि किलोग्राम में लाना है, किलोग्राम मतलब 10^3 ग्राम, ठीक है, power 1, l1 दैट इज 10 सेंटीमीटर, l2 मतलब कि मीटर में लाना है, मीटर यानी 10^2 सेंटीमीटर, ठीक है। t1 दिया हुआ है आपको 0.1 सेकेंड और नीचे भी सेकेंड -2। अब देखिए ग्राम कैंसिल हो गए, सेंटीमीटर कैंसिल हो गए, सेकेंड कैंसिल हो गए, 1 अच्छा 10 और 10^3 यानी बचा 10^-2 power 1, यहां पर बचा 10^-1 power 1, ये 0.1 मतलब 10^-1 power -2, तो 1 लिखो ना लिखो चलेगा, 10^-2, ये हो गया 10^-1, ये हो गया 10^+2, तो +2 -2 कैंसल यानी 10^-1 यानी कि 0.1 न्यूटन, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से फाइंड किया जाता है, ठीक है, तो इस तरह से आपका वैल्यू फाइंड किया जाता है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास m सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग हैविंग फोर्स कांस्टेंट k इज गिवन बाय f = c m^2 x k^2 y, ओके। सो Now let us start with question number 6. The frequency of oscillation of a mass m suspended from a spring having force constant k is given by f = c m^2 x k^2 y, where c is dimensionless quantity. The values of x and y. तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में values of x and values of y फाइंड करना है, ठीक है। इक्वेशन में f = frequency, m = mass, k = spring constant है, ऑलराइट। चले फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला t^-1 होता है, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m^1 होता है, और स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 t-2 इस तरह से होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम लेफ्ट साइड पर f रखेंगे इक्वल टू राइट साइड पर m^2 x k^2 y, क्योंकि c जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इस वजह से यहां पर सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन वाली क्वांटिटी है, इस वजह से हमने डायमेंशनलेस क्वांटिटी को कंसीडर ही नहीं किया है।
अच्छा एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी रेस टू माइनस वन, एम का डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन रेस टू एक्स, के का एम वन टी माइनस टू रेस टू वाई। ठीक है, अभी यहां पर वन का एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा, तो एम रेस टू एक्स एम रेस टू वाई टी रेस टू माइनस टू वाई। ठीक है, बेस इक्वल होने की वजह से एम रेस टू एक्स प्लस वाई टी रेस टू माइनस टू वाई, यहां पर टी रेस टू माइनस वन, एम नहीं है इस वजह से एम का पावर जीरो किया हमने। कंपेयरिंग पावर ऑफ एम एंड टी ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई नंबर वन, और माइनस वन इज इक्वल टू माइनस टू वाई, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू वन बाय टू, इक्वेशन नंबर टू। अच्छा, ये जो इक्वेशन नंबर टू है उसकी वैल्यू हम इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करते, तो एक्स प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। सो इस तरह से आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट विद न्यू क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन इन पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इनटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी इक्वेशन, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए डॉट बी विल बी फिल इन द ब्लैंक। ऑलराइट, हियर वी हैव गिवन इक्वेशन पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v minus b equal to rt, where p is equal to pressure, v is equal to volume and t is equal to temperature. Now dimensional formula for pressure, p is equal to m1 l minus 1 t minus 2, for volume l3, for temperature k1, this is your formula। ठीक है, अभी हमने कल बात किया था आपसे अगर P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, मतलब कि बीच में इस तरह से प्लस है, तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला P का होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला ए अपॉन वी स्क्वायर का भी होगा। चले, तो यहां से अगर आप ए को सब्जेक्ट बनाते हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर पी इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पी मतलब प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, वी वी फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला एल थ्री, तो उसका स्क्वायर करेंगे यानी एल सिक्स, तो यहां पर मिलेगा एम वन एल फाइव टी माइनस टू। ओके, इसी तरह से अगर मैं बात करूं वी माइनस बी, तो बीच में माइनस है, तो यहां पर भी जो वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला बी का होगा, दैट इज एल थ्री। ठीक है, अभी मुझे ए डॉट बी करना है, तो ए का डायमेंशनल फॉर्मूला है मेरे पास एम वन एल फाइव टी माइनस टू, और बी का डायमेंशनल फॉर्मूला है एल थ्री। चले, तो यहां पर हो जाएगा एम वन एल एट टी माइनस टू, क्योंकि एल बेस सेम है इसलिए पावर का एडिशन होगा, तो पावर का एडिशन करेंगे, इस वजह से आपका आंसर बनेगा एम वन एल एट टी माइनस टू। न्यू क्वेश्चन, इफ प्लैंक कॉन्स्टेंट एच, स्पीड ऑफ फ्री स्पेस लाइट सी एंड न्यूटन ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ विल बी। ठीक है, यहां पर आपको प्लैंक कॉन्स्टेंट एच दिया हुआ है, प्लैंक कॉन्स्टेंट एच का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है दैट इज एम वन एल टू टी माइनस वन। लाइट ऑफ स्पीड
का जो फॉर्मूला होती है L1T-1, और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है M-1L3T-2, और जो लेंथ होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला L1 होता है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। देखो H की डायमेंशनल फॉर्मूला, C की, G की और L की, ये डायमेंशनल फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद करने पड़ेंगे, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। अभी देखो, मुझे लेंथ मेजर करनी है ना, तो मैं लेंथ को सब्जेक्ट बनाऊंगा, यानी लेफ्ट साइड पर लेंथ रखूंगा। प्रोपोर्शनल टू H पावर A, C पावर B एंड जी पावर सी, इस तरह से कुछ होगा, है ना। चलो अभी एल लेफ्ट साइड, एच पावर ए, सी पावर बी, जी पावर सी, कुछ इस तरह से होगा। चले अभी हम एच की डायमेंशनल फॉर्मूला रख देते, दैट इज M1L2T-1 पावर ए, C की डायमेंशनल फॉर्मूला L1T-1 पावर B, G की डायमेंशनल फॉर्मूला M-1L3T-2 पावर है उसका C, है ना, और इसका पावर है L1। चले अभी आपको पावर के अंदर मल्टीप्लिकेशन करना तो आता ही है, MA2A-A LBT-B M-C L 3C T-2C, ठीक है। तीनों की अगर हम बात करें तो बेस सेम होने की वजह से, देखो यहाँ पर M-A-C L-2A+B+3C T-A-B-2C यहाँ पर L1, M नहीं है इसलिए M0, T नहीं है इसलिए T0, ठीक है। अभी इक्वेशंस में M का पावर कंपेयर करो, तो 0 इज इक्वल टू A-C, ठीक है, दैट मींस A इक्वल टू C, इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक है। उसी तरह से L का पावर कंपेयर करो, तो 1 इज इक्वल टू 2A+B+3C, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। और इक्वेशन टी का पावर कंपेयर करो, तो 0 इज इक्वल टू -A-B-2C, इक्वेशन नंबर 3 हो गया आपका, है ना। अभी हम क्या करेंगे, देखो हम कर सकते हैं इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को ऐड कर सकते हैं, तो बाय एडिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 ये हो जाएगा आपके पास 2A+B+3C=1 -A-B-2C=0, यानी यहां पर बचेगा A+C=1, ठीक है। देखो इक्वेशन नंबर 4, अभी यहां पर इक्वेशन 1 में A=C है और यहां पर हमारे पास A+C=1 आ गया, दैट मींस हम बात कर सकते हैं A+A=1, दैट इज 2A=1, दैट इज A=1/2, मतलब कि A और C का वैल्यू हो गया 1/2, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हम करेंगे ये A और C की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में डाल दो, तो इक्वेशन नंबर 2 है हमारा, इक्वेशन नंबर 2 है हमारा 2A+B+3C=1, 2 A की जगह पर 1/2 प्लस B 3 C की जगह पर 1/2 इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा 1+B+3/2=1, तो B इक्वल टू 1-1-3/2,
ठीक है, तो ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू माइनस 3/2 कुछ इस तरह से। तो इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं यहां पर एल प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एच जी बाय सी क्यू, क्योंकि देखो ए और सी की वैल्यू 1/2 है, यानी ए और सी, एच और जी का पावर 1/2 यानी अंडर रूट ऑफ हो गया, ठीक है, और जो बी का पावर है दैट इज -3/2, -3 यानी कि नीचे हो जाएगा, ओके, तो इस वजह से सी क्यूब। तो इस तरह से आपका इक्वेशन बना। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम एन ओरिजिन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला यू इज इक्वल टू ए रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस बी वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट। सो द डायमेंशंस ऑफ ए डॉट बी इज व्हाट, हमें ये वाली चीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, जैसे कि हमें इक्वेशन पता है U इज इक्वल टू ए रूट एक्स अपॉन एक्स प्लस बी, ठीक है। U इज द पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है m1 l2 t-2, ठीक है। अभी यहां पर आप देख सकते हो x प्लस बी है, मतलब कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला x का बनेगा वही डायमेंशनल फॉर्मूला b का बनेगा, चूंकि x डिस्टेंस है उस वजह से डिस्टेंस का l1 हो जाएगा, ठीक है। अभी हम यहां से, ठीक है, u इज इक्वल टू a रूट एक्स अपॉन x प्लस बी कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी a को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इस वजह से हमारे पास होगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ x प्लस बी अपॉन डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रूट एक्स। चले, u का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m1 l2 t-2, x प्लस बी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया l1 और रूट एक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया l^2 1/2, ठीक है। तो यहां पर आप कर सकते थे m1 l^3 -1/2 t^-2, क्योंकि l दोनों सेम है, यानी पावर का एडिशन 2+1 3 और नीचे ऊपर जाएगा तो -1/2 3 -1/2, तो ये हो जाएगा m1 l 5/2 t-2 कुछ इस तरह से, ठीक है। अभी आप चेक करो, मेरे पास a का भी डायमेंशनल फॉर्मूला है, मेरे पास b का भी डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो मैं यहां पर a डॉट b करूंगा, है ना। a का डायमेंशनल फॉर्मूला m1 l^5/2 t^-2 डॉट b का डायमेंशनल फॉर्मूला m1, तो ये हो जाएगा m1 l^5/2 + 1 t^-2, यानी m1 l^7/2 t^-2, कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया।